कक्षा 11वीं में छात्रों, जो हमारा अध्याय 1 था, संविधान वाला जो पार्ट था, क्यों और कैसे। तो सर ने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले भी बताए थे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं और किस प्रकार हमारा संविधान का हमें क्यों आवश्यकता है या संविधान का क्या महत्व है। कुछ और भी प्रश्न है महत्वपूर्ण कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसने कौन कौन से सुझाव दिए, तो आपको उसके बारे में बताना है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, पहले आप पूरा इसको पढ़ेंगे कि जब 1935 में हमारा एक जो अपना संविधान बनना था, तो 1935 में जो हमारे सदस्यों द्वारा जो सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष विधि से, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमें आजादी प्राप्त होने वाली थी, तो हम देखते हैं कि एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, एक सभा बनाई गई, उसमें प्रमुख व्यक्तियों का चयन किया गया। उसकी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। हमारा देश 15 अगस्त सन 47 में आजाद हुआ, तो आप देखेंगे कि जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को हमारे भारत का विभाजन भी हमें स्वीकार करना पड़ा। तो उसके जो सभा हुई उसके सदस्यों की संख्या में थोड़ा सा हेरफेर हुआ, तो हमें इसकी फिर से बैठक हुई और 1935 में जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे वो ही अधिकतर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और जो हमारी संविधान सभा थी वो उसी के अनुसार हुई। इसमें एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, कैबिनेट मिशन, तो उन्होंने कुछ अपने योजना बनाई, कुछ प्रमुख बिंदु बताए कि जो प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई, किसको चुनने के लिए, सभा के सदस्यों को चुनने के लिए। और ये माना गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया और जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे उसमें से 292 सदस्य को चुनना था, ये वहां पर निर्धारण किया गया। और जो देशी रियासत थी उनको न्यूनतम 13 पर ही सीटें आवंटित की गई। ये जो प्रस्ताव रखा था कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत रखा गया। तो हमारा जो प्रश्न है कि किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ, तो हम उसी के बारे में बता रहे हैं, ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। अब जो प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थी, प्रत्येक जो प्रांत का जो हमारा स्थान निर्धारित था, उसमें 3 समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य, उनकी जनसंख्या के अनुपात से भी प्रतिनिधि चुनके आएंगे। फिर जो अगला पॉइंट था जिसका कैबिनेट मिशन योजना था कि प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, मतलब एक अंदर की व्यवस्था थी और इसके लिए उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। और जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि के चुनाव का था वो उनके परामर्श से, देशीय जो रियासत है उनमें से जो भी प्रतिनिधि भेजा जाएगा वो उनके आपस में सलाह से भेजा जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो संविधान सभा का संविधानिक संविधान का निर्माण होने के लिए पहले हमें संविधान सभा की तैयारी करनी पड़ी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। पहला प्रश्न था संविधान कैसे बना, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो ये संविधान सभा के सदस्य के बारे में आपको बताएंगे, इसमें से पढ़ के ही आप उत्तर लिख सकते हो। तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन हमारा तय था, तो उसके बाद जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो एरिया में जो सदस्य थे वो अब इस सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। तो संविधान सभा के जो वास्तविक सदस्यों की संख्या है वो घटकर कितनी हो गई, 299 रह गई। और 26 नवंबर जो हमारा पूरा संविधान
पारित हुआ था, अंतिम जो रूप से पारित होना था 26 नवंबर 1949 को हुआ और उसमें कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इस प्रकार भारत के दो महाद्वीप हो गए, एक पाकिस्तान और उप महाद्वीप में और एक हिंदुस्तान में। उस समय विभाजन का भी माहौल था और उस समय मतलब थोड़ी सी अव्यवस्था थी, विभीषिका हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ और जो संविधान निर्माण का थे संविधान सभा के सदस्य थे बहुत ही दृढ़ता पूर्वक उन्होंने संविधान का निर्माण किया। उन्होंने एक दबाव में एक संविधान नहीं बनाया बल्कि विभाजन के कारण जो हिंसा उत्पन्न हुई थी उसके को बिल्कुल ध्यान में रखा और नागरिकता की एक नई उन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की कि अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी महत्व दिया कि उनकी उनका धर्म भी बना रहे, उनकी विशेष पहचान होनी चाहिए। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो केवल सतही तौर पर बताता है कि संविधान वास्तव में कैसे बना। संविधान सभा के सदस्य उस समय सार्वभौमिक वैध की मताधिकार के आधार पर नहीं चुने रहे क्योंकि उस समय चुनाव संभव नहीं था। तो कुछ आलोचनाएं भी हुई कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परत बनाने का गंभीर प्रयास किया गया, सभी राजनीतिक सदस्यों को भी अपन ने क्या किया प्रतिनिधित्व का चुनाव दिया गया। तब अनुसूचित जब संविधान सभा बन रही थी तो अनुसूचित वर्ग के 26 सदस्य थे और राजनीतिक दल के भी थे और लेकिन आपको पता ही है जब देश आजाद हो रहा था संविधान सभा तो हमारी कांग्रेस मुख्य पार्टी थी और 82% सीटें जल्दी प्राप्त थी। तो कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरा हुआ एक पार्टी थी जिसमें सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी, सभी विचारधारा के लोग थे। तो आपको ये पूरा पढ़ के उत्तर निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा की काम करती शैली क्या थी, उन्हें जो कि पूरे भारत का एक संविधान बनाना था और वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उनकी जो विचार विमर्श थी जन्म छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। वहां पर समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी थे, वो अपनी पहचान समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, वो पूरे भारत की भावनाओं का ध्यान रख रहे थे और इस प्रकार कभी कभी सदस्यों में मतभेद भी होते थे लेकिन सभी ने अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ होगा, मतलब एक सामान्य थोड़ा सा मतभेद होता था उसके बाद वो मतभेद नहीं होता था। तो इस प्रकार संविधान सभा में कई मतभेद हुए, जैसे एक मतभेद हुआ कि भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, भारत में जो राज्य है उनके केंद्र से क्या संबंध होनी चाहिए, न्यायपालिका को कौन कौन सी शक्तियां रहनी चाहिए। इस प्रकार आपने देखा था कि उनके जो अधिकार है शक्तियां तीन भागों में बांट दी थी। तो बनाते समय बिना वाद विवाद होते थे लेकिन अंत में उन विवादों का हल हो जाता था और एक प्रावधान था सार्वभौमिक मताधिकार, इस पर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ और एक निश्चित आयु के बाद सार्वभौमिक मताधिकार प्रस्ताव का वो पास हो गया। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इस सभा के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया और सभी सार्वजनिक हितों पर भी ध्यान दिया गया। इस प्रकार हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसने अपने जो प्रस्ताव थे वो सब मोटे मोटे संविधान सभा में चर्चा हुई और हर खंड में उनको प्रकाशित किया गया, अनुच्छेदों में बांटा गया और कहीं कहीं पर अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान सभी के हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी ली। अब कार्यविधि हम देखते हैं कि जब संविधान सभा थी तो उसमें कुछ कमेटियों को
कॉलोनियों इसमें मुख्य 8 कम्युनिटियां थी और जो मुख्य व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर जी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर थे और सबके अपने विचार अलग अलग थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा संविधान निर्माण में योगदान दिया। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने पहले आरोप लगाया, लेकिन बाद में उन्हीं के द्वारा ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान निर्मित हुआ। उसके बाद जो कमेटी थी तो संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया गया और हर प्रारूप पर सभी सदस्यों की सहमति दी गई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी संविधान सभा ने पूरा लिखित से अपना जो संविधान बनाया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इस प्रकार 166 बैठके हुई। और पहली जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1940 को हुई और इस प्रकार हमारा संविधान बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बन गया। ये प्रश्न का उत्तर था। आपको और भी प्रश्न की तैयारी करनी है इस प्रकार करें। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे, तो दूसरा पाठ है राजनीति शास्त्र का। धन्यवाद।